अभी दिल्ली में ही हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि हिमाचल कैबिनेट के नाम फाइनल हो चुके हैं। सुखविंदर सिंह के शीर्ष नेताओं से मुलाकात हुई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको बता रखे हैं, कैबिनेट में शामिल होने वाले नेताओं के नाम फाइनल हो चुके हैं, क्योंकि इंतजार हिमाचल प्रदेश में अब ये है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक होगा और उसके लिए कौन कौन से मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, उन सभी के नामों पर मोहर लगने की खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। और आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री दिल्ली में ही मौजूद हैं, हालांकि आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था, उसमें मौजूद नहीं रह पाए, क्योंकि दिल्ली में ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर जो है कैबिनेट के नाम को फाइनल करने के लिए तमाम बड़े दिग्गजों से मिले हैं। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए विनय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, मंत्रिमंडल का विस्तार कब हो, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है और विपक्ष को भी इसका इंतजार। अब सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रखी है कि कैबिनेट के नाम फाइनल हो चुके हैं, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल, कैबिनेट के नाम फाइनल हो चुके हैं, 10 नामों पर मोहर लगनी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक दो नाम, यानी कि लगभग 7 से 8 नाम फाइनल हो चुके हैं। 2-3 नामों पर अभी कुछ पेच फंसा हुआ है, इसलिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर कल शाम से ही दिल्ली में हैं और अभी भी वो दिल्ली में ही हैं और सुबह से ही ये कहा जा रहा है कि वो बैठक सुबह एक करके आए हैं। हालांकि अधिकतर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और जो कांग्रेस के आला नेता हैं वो पानीपत में राहुल गांधी की रैली में थे, इसलिए दिन में किसी तरह की मुलाकात नहीं हो पाई। और माना जा रहा है कि अभी थोड़ी ही देर में जब सभी आला नेता पानीपत से वापस दिल्ली आएंगे तो और भी क्या उम्मीद है, कब तक इन नामों का ऐलान हो सकता है? देखिए, आज ये माना जा रहा है कि जो भी नाम जो फाइनल हुए, कम से कम 2 से 3 नाम जो फाइनल नहीं हुए हैं वो भी आज ही फाइनल हो जाएंगे और औपचारिक इनकी घोषणा हालांकि होगी हिमाचल में, लेकिन जो फाइनल लिस्ट पे मोहर लगनी है वो आज ही दिल्ली में लग जाएगी। इसीलिए मुख्यमंत्री दिल्ली में रुके हुए हैं, अब आज रात को हो सकता है कि कुछ अहम बैठक हो जाए, उस बैठक के बाद बिल्कुल साफ हो जाएगा कि शिमला में जब नामों की औपचारिक घोषणा होगी वो कल होगी। नाम फाइनल ये लगभग है कि आज सभी सीटों पर नाम पे मोहर लग जाएगी। ठीक है विनय, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।